सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि आज की ये वीडियो जिस टॉपिक में बन रही है उस टॉपिक में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो फैक्ट है जो है वे कौन कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करते हैं। तो वो जो वीडियो थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि भाई हमें बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक चाहिए, हमें बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक चाहिए। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें मैं फैक्ट के सारे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिंक और उसके नाम और उस सॉन्ग को आपको सुनाने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है क्योंकि फैक्ट टच की जितनी भी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे मुझे सर्च करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका नाम है नो कॉपीराइट ट्रेलर बैकग्राउंड, और ये जो सॉन्ग है उसे आप लोग सुन लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड नंबर के बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। तो जो हमारा सेकेंड नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका नाम है कॉपीराइट फ्री एपिक पॉलिटिकल कैंपियन प्रेसिडेंटल बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये जो सॉन्ग है उसे भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड नंबर के बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। तो जो थर्ड नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका नाम है नो कॉपीराइट सिनेमेटिक ट्रेलर म्यूजिक। तो इस सॉन्ग को भी आप लोग सुन सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ नंबर के बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। तो जो फोर्थ नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका नाम है फास्ट लाइन सस्पेंस रेप बीट। तो आप लोग यहाँ टाइटल को पढ़ सकते हो और ये जो सॉन्ग है उसे भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ नंबर के बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। तो जो हमारा फिफ्थ नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका नाम है रिलैक्सिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, और ये जो सॉन्ग है उसे भी आप लोग सुन लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने सिक्स नंबर के बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। तो जो सिक्स नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका नाम है इपिक इंस्पिरेशनल एंड सिनेमेटिक मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, और ये जो सॉन्ग है उसे भी आप लोग एक बार सुन सकते हो। तो गाइस, ये तो थे वे सिक्स बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे फैक्टर्स अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है और उसमें मैंने ये बताया है कि जो फैक्टर्स है वो अपनी वीडियोस को किस तरह से एडिट करते हैं और वो अपने वीडियोस के लिए फुटेज कहाँ से लाते हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि जो फैक्टर्स है वो अपनी फैक्ट को कहाँ कहाँ से सर्च करते हैं। ये सारी बातें मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में बताया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आप लोग अपने फैक्ट्स की चैनल को
किस तरह से बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ बताया हूँ, क्योंकि मेरा भी एक फैक्ट्स का चैनल है जो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये जो वीडियो है उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना यार। लाइक करने में आप लोगों का 1 सेकंड का समय लगेगा। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।